2024 के चुनावी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में हरियाणा में सियासी पारा हाई है। नेताओं का राजनीतिक दल बदल भी शुरू हो गया है, वहीं जुबानी वार पलटवार भी जारी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस दौरान कांग्रेस की गुटबाजी पर तीखा हमला बोला। वहीं पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवाला ने हाल ही में आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है, इस पर भी कैबिनेट मंत्री ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे पहले से ही कांग्रेस के हैं, कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में सक्रिय हुए थे, कांग्रेस की आपसी गुटबाजी की वजह से इन्होंने पार्टी को छोड़ा था। तो पुराने कांग्रेसी थे और इनकी आपसी गुटबाजी की वजह से उन्होंने पार्टी को छोड़ा था, लेकिन अब वो आम आदमी में बड़े जोर शोर से सक्रिय थे और अब वो छोड़ के इधर चले गए। मैं समझता हूँ ये लोग सारे के सारे ऐसे ही हैं कि भाई अगर इनको टिकट मिलता है तो फिर इनकी माँ है पार्टी, और अगर टिकट कटता है तो फिर इनकी दुश्मन है पार्टी, अब वो तो चलता ही रहता है क्या। वहीं बीते दिनों अभय चौटाला द्वारा उठाए गए सवाल कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है और जो अधिकारी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं उन्हें दोबारा लगा रही है, इस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वे कोर्ट में सिद्ध होना और उसमें आगे की प्रक्रिया सब कोर्ट का काम है, सब कुछ नियमानुसार किया जा रहा है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस पर चलते हुए न सिर्फ छोटे अधिकारियों पर बल्कि बड़े अधिकारियों जिन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन सब पर बड़ी कार्रवाई की है। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, आज से पहले किसी सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। देखिए अब किसी भी व्यक्ति पे जो भी आरोप लगा तो वो कोर्ट में सिद्ध होना और उसके बाद सजा देना तो कोर्ट का काम है इसमें बारे में, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर कोई भी आरोप लगा उसको कोई काम ना दे कुछ ना दे। तो नियम अनुसार ही सारा काम कर रहे हैं, हमने किसी को बढ़ावा दिया और ये भी पहली सरकार है जिसने इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। मैं नहीं समझता कि इससे पहले किसी सरकार ने इतने बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की हो। तो निश्चित तौर से जो माननीय मुख्यमंत्री कह रहे जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे तो उसमें पहली बार ऐसा है, नहीं तो आमतौर पर पटवारी और छोटे छोटे लोग ही के खिलाफ कार्रवाई होती थी, इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती, लेकिन सरकार में बड़े से बड़े अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने पर भी कैबिनेट मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पहले भी जनता के बीच में कोई संदेश नहीं छोड़ पाई और ना ही अब छोड़ पाएगी और ना ही उनका जनता पर कोई प्रभाव पड़ा। वहीं उन्होंने कांग्रेस के अंदर नेताओं की अलग कांग्रेस चलने की बात कही है। वो कांग्रेस में तो है पर कांग्रेस भी एक अलग कांग्रेस है, कुमारी सैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, हुड्डा साहब की कांग्रेस अलग है, अपनी अपनी कांग्रेस में काम कर रहे हैं। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही शिक्षकों की कमी को पूरा कर देंगे, भर्ती प्रक्रिया में समय लगता है लेकिन जो आने वाला सेशन है निश्चित रूप से शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भी जल्दी उस कमी को हम पूरा कर देंगे लेकिन उसमें टाइम लगता है, जो भर्ती का एक प्रोसेस है उसका टाइम है। मेरा अनुमान था कि शायद वो 2 महीने पूरा हो जाएगा, लेकिन जो आने वाला सेशन है तो निश्चित तौर पर उसमें टीचर उपलब्ध कराएंगे सभी को। खैर चुनावी वर्ष की शुरुआत होते ही जहां वार पलटवार का दौर जारी है, ऐसे में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कांग्रेस की गुटबाजी पर अपना तंज कसा, तो वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती पर भी उन्होंने जवाब दिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।